मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। परमेश्वर की स्तुति हो। जीसस मीट्स यूट्यूब फैमिली से आशा करता हूँ कि आप भले चंगे हैं। फेसबुक में जो मिले हुए सभी परिवार हैं, सभी लोगों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ वापिस आपसे मिलकर ये बात करना, जो परमेश्वर का अनुग्रह है। हर दिन पवित्र आत्मा के साथ नामक यह संदेश पिछले दिनों में आपके लिए बहुत ही उपयोगी था, यह जानकर मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय लोगों, हर एक बार जब मैं कहता हूँ यह संदेश आपके हृदय को जब छूता है, आमेन कहिए, और ऐसा कहने के बाद जिस जिसको हो सके शेयर कीजिए और उन्हें भी परमेश्वर में चलाने के लिए एक अच्छी सेवकाई आप कीजिए, ठीक है। आज का वचन क्या है? पहला शमूएल 16 अध्याय और 3 वचन, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। मैं जिसको तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। परमेश्वर के लोगों, शमूएल भविष्यवक्ता अभिषेक के उस बोतल को ले जाकर जब ईशा के घर में गया, तब परमेश्वर ने जो है उसे एक इंस्ट्रक्शन दिया, बोला कि जो तू चाहता है उसे नहीं, बल्कि जिसे मैं बताऊं उसी को मेरे लिए तू अभिषेक करना। परमेश्वर ने ऐसा एक बहुत बड़ा काम उसे दिया। तब अभिषेक जो है किसके लिए है? अभिषेक किसके लिए है? पवित्र आत्मा अगर आपको भरता है तो वो किसके लिए है? एक तरफ हमारे खुद के उपयोग के लिए भी है, हमें भरता है, सच बात है, पर सच्ची या फिर परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के हृदय की गहराई में मालूम है क्या है? आपको परमेश्वर अगर भरता है, अभिषेक करता है, तो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए। उस दिन परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा दाऊद को अभिषेक किया। भाइयों के बीच में उसे अभिषेक किया गया। बाहर गांव वालों को नहीं मालूम था, वह एक जंगल में भेड़ों के पीछे था, पर परमेश्वर उसे राजा के रूप में उसे उठाया। जो अभिषेक आपने पाया है, जो उद्धार आपने पाया, साधारण सी बात नहीं है। आपके ऊपर एक अग्नि है ना, एक अभिषेक है ना। अभी अगर आप अन्य भाषा में बोलकर प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपके मन को आनंद से भरेगा। एक विचार से परमेश्वर मुझे अभिषेक किया है, वह विचार क्या है? हे परमेश्वर, इच्छा क्या है? ऐसा पूछकर जब आप अभिषेक में भरते रहोगे, एक दिन दो दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी इच्छा को आपके द्वारा पूरा करता रहेगा, ठीक है। तो आपका हृदय की सोचे चाहत, हे परमेश्वर मुझे आज क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं, कैसे मैं प्रार्थना करूं, कैसे बाइबल पढूं, मुझे क्या काम करना चाहिए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा को अपने आप हवाले कर दीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करके प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इस आत्मिक समय में, सुबह के समय में जो है, पहले शमूएल के पुस्तक 16 अध्याय के 3 वचन में जो है शमूएल को जैसे तूने कहा कि मैं तुझे ऐसे बताता हूँ कि तू जाकर इसको अभिषेक कर, जैसे तूने उस दिन अभिषेक किया, उसी तरह आज तेरे बच्चों को तूने अभिषेक से भर दिया है। इस संदर्भ में तेरे बच्चे जिस जिस चीजों के लिए भरना चाहते हैं, जिन जिस कारण से तेरे बच्चों को तूने अभिषेक करने का निर्णय किया है, उसे ढूंढ निकाल कर आत्मा में जो तेरे बच्चों को लगातार हर एक दिन गवाही बनकर परमेश्वर के प्रिय लोगों के रूप में जीने के लिए तू उनकी सहायता कर। हे परमेश्वर, तेरे बच्चों को जो मेरे साथ मिलकर अभी प्रार्थना करने हैं, उनके द्वारा जो पूरा परिवार सुरक्षित रहे, परमेश्वर के आगमन के लिए उन्हें तैयार कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर लगातार आपसे बात करता है। फिर हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542636 ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दें।